ओम शांति। 27 जून 2020। आज बाप दादा बोले, अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर को खलास होना है। आत्मा तो अविनाशी है ना, तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं। तो अब बाप कहते हैं कोशिश करके जितना हो सके बाप को याद करो। धंधा धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहर पाएगी, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है, फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, ना, निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहां भी बैठे हो तो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा, तो तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि वो ना आए। यहां बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती है, यही तो युद्ध है ना। जितने हल्के होंगे उतने बंधन तुम्हारे कम होते जाएंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है, जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, जो चीज सामने नहीं थी वो सामने आ जाती है, फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। तो अब तुमको तो ये सब भूलना है ना, एक बाप को याद करना, इसलिए बाप की महिमा होती है। तुम्हारा मात पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वो तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर को छोड़ फिर दूसरा लेते हो, है ना। प्रलय नहीं होती, दुनिया खत्म नहीं होती। बाबा कह रहा जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए ना, तो पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू हुई। स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है ना, स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ाई कंप्लीट हुई और जिस औहदे के लिए पढ़ाई किया वो प्रारब्ध शुरू होती है। तो शिव बाबा कहते हैं कि स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तो तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो, पहले शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छींची दुनिया से छूट जाएंगे, इसका नाम ही देखो नर्क है। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग, यहां मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो हैं वो समझते हैं कि हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है, स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। तो ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे, स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्व भी महल रहता है, कोई दुख की बात ही नहीं है, यहां तो गर्व जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो, तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है, यही मेहनत है, है ना। बाबा कह रहे हैं तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो, तो भी सारा चक्र याद आ जाए। लेकिन एक ये बात भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं क्या होता है, अपना ही नुकसान कर लेते हैं देह अभिमान में आने के कारण। देह अभिमान में आने के कारण हम सृष्टि चक्र को क्यों भूलते हैं, क्योंकि बॉडी दिख रही है तो बॉडी से जितनी चीजें नजर आ पा रही हैं बस वही दिखाई देगा। किसी का बर्थ और डेथ आंखों के सामने है तो बिलीव है, पहले की किसी बात पे विश्वास ही नहीं होगा। सोल कॉन्शियस है तब तो बेहद में दृष्टि जा पाएगी ना। तो बाबा कहते हैं वहां गर्व भी महल रहता है, कोई दुख की वहां बात नहीं होती, यहां तो गर्व भी जेल है तो सजाएं खाते रहते हैं, है ना। वही चीज बाबा कह रहा है कि स्वर्गवासी होने की बात तो बिल्कुल अलग है, तो इतना भी याद रहे तो बात कुछ और होगी। मेहनत बगैर ऊंच पद नहीं पा सकते, बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहां तो पढ़ा हुआ सब भूलना ही है, ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना होता है, जानते हो ना, ये सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा तो खुशी से खाना है, वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है। हबच यानी लालच नहीं रखना, आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं,
ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, ना, वो तो कुछ भी नहीं जानते ना। हाँ, बच्चों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। तो यहां तो साफ कह देते कि है ही नहीं, है ना, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है, याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो ही नहीं सकता। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वो बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है, ग्रहचारी के कारण ही तो नाम रूप में फंस मरते हैं ना। ये बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है कि एकदम ध्यान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बाबा क्या कह रहे, ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। याद मतलब मुरली बनना है, अगर ये चीज स्मृति में रहेगी तो याद अपने आप बाबा के साथ रहेगा। वेस्ट जितने भी हैं उन सब चीजों से अलग हो करके बेस्ट बनना अब केवल बुद्धि में याद है, और वो भी बाबा के कहे अनुसार। मुरली याद है, मुरली से रिलेटेड बातें याद है, मुरली याद है तो मुरलीधर याद है ही, है ना। लक्ष्य याद है कि लक्ष्मी नारायण जैसा अब बनना है, बाबा ने मुरली में जो कहा उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई तो लक्ष्य याद रहा, लक्ष्य याद रहा तो लक्ष्य देने वाला याद रहा, पढ़ाई याद रही तो पढ़ाने वाला याद रहा, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता है, बाप खबरदार करते हैं ना, ध्यान कोई काम का नहीं होता। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है ना, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी तो यहां से ही ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मनाभव, बाप को याद करो, दैवी गुणों को धारण करो। अपने को देखना है कि हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहां ही दैवी गुण धारण करने होते हैं। कोई को देखो कि अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद देखना क्रोध का भूत आ जाएगा, फिर सब खत्म, फिर स्मृति आती है कि ये तो हमने भूल कर दी, फिर सुधर जाते हैं, है ना। तो उस समय क्या था, याद भूल गई। अगर निष्ठा में बैठ करके याद करने का अभ्यास किया या कोशिश की तो जब उस चीज से उठे थोड़े समय स्मृति खत्म, क्रोध आ जाएगा। संस्कारों को परिवर्तन का प्रैक्टिकल एफर्ट करने का नाम ही मेडिटेशन है, है ना। बाबा जो याद करो कहता है, कहने का मतलब कि ये चीजें विस्मृत ना हो, बिल्कुल भूले ना, स्वरूप बनना है। बाबा कहता पांच प्रकृति का उद्धार करना है, है ना। आत्मा तो छोड़ो, प्रकृति का भी उद्धार हो जाता है, तो प्रकृति से भी वो नेचुरली अफेक्शन होना चाहिए, है ना। नेचुरली उनके लिए भी दिल से वो रहम वाली, प्रेम वाली नेचुरल भावना, जो कि बाबा पे विश्वास है, अगर खुद पे विश्वास है कि मैं क्या थी, देवी थी, तो देवी की हरकतें कैसी होनी चाहिए, तब जाके वो चीज नेचुरल बनेगी, है ना। बाबा कहते हैं कि फिर स्मृति आती है कि अरे हमने तो भूल कर दी, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं, घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई, अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। तो सारा मदार याद पर ही तो है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझें, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे कि रियलाइज करें। किसी को बता दिया कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसमें ह्यूमन पार्ट बॉडी है, बीइंग पार्ट आत्मा है, आत्मा विनाशी है, समझा दिया, ज्ञान दे दिया, बहुत अच्छा, लेकिन मैं आत्मा हूं, इस चीज को प्रैक्टिकल लाना याद है, प्रैक्टिकली एकदम कि हाँ मैं आत्मा हूं। आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया,
आत्मा याद है तो बाबा याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा वही कह रहा है कि प्रैक्टिकल समझो, अपने को आत्मा समझो। इस रीति छोटे बच्चों थोड़े याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, अरे परंतु याद कर ना सकें क्योंकि यथार्थ कोई जानता ही नहीं। कोई भी वापस थोड़ी जा सकता है, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, वो तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, अब इससे ज्यादा बाबा क्या बोलेगा, है ना। ऋषि मुनि ने भी कह दिया हम नहीं जानते। भाई आजकल के तमो प्रधान क्लेम करते हैं कि हम जानते हैं, और फिर सच में जब बता रहे हैं तो ये बुद्धि ऐसी हो गई है, लॉजिकल, हर चीज को आंखों से जब तक ना देखे विश्वास ना हो एक्सेप्ट ही नहीं करे कि सच में भगवान आ गया है ना। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी नहीं जानते तो फिर प्रजा कैसे जानेगी, कोई भी नहीं जानता। अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। बाप कहते हैं कहां भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो, ऐसे बाप को अंतर्मुख होकर कितना याद करना चाहिए। परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख होकर विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। तो ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम योग। ये भी वंडर है ना। तुम बच्चों ने देखा है कि एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम योगी और हाफ पार्टनर या बच्चा आदि कलयुगी है, तो कितना फर्क हो गया। बड़ी महीन बात है बाप जो समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। याद की ही तो मेहनत है ना। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे अगर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस हमेशा नहीं रही है ना। रियलाइजेशन, विश्वास नहीं हुआ कि हाँ मैं आत्मा हूं, प्रैक्टिकल हो जाए वो स्वरूप। बाबा का जो लक्ष्य है वो चीज लाइफ में धारण होने लग जाए, इसी का नाम याद है। मैं आत्मा हूं ये चीज मेरे जीने का ढंग बन जाए, नजरिया बन जाए, है ना। तो शिव बाबा कहता है बड़ी महीन बातें बाबा समझा रहा है। तो कभी विकार का ख्याल नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए एक ही घर में हंस है तो दूसरा बगुला है, ठीक। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास भी होते हैं कि कभी विकार का ख्याल भी नहीं आ सकता, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना कई, तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते रहते हैं। अवस्था वो होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल भी ना आए। बाप पर हर प्रकार, बाबा तो हर प्रकार से राय देता है। तुम जानते हो कि श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री मतलब ही श्रेष्ठ होता है। सत्युग में सब नंबर वन श्रेष्ठ हैं। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। तो ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठकर भी झुटका खाते हैं, उबासी लेते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है ना बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसी हैं जो कि ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्जन लाखों रुपए का है। तो तुम जानते हो कि ज्ञान मिलता है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं ये छी छी दुनिया है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वो कल होगा ही नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहां तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है ना। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ पुरानी चीजों पे उनकी बुद्धि है क्योंकि पता है उसकी वैल्यू सच में है। तो वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं रहा सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई नहीं लोगे। कैसे लोगे, जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेंगे ना। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा तैलुक नहीं। बाबा बड़ा प्रैक्टिकल है।
भोग लगाना ड्रामा में पार्ट है। देखिए हर चीज का एक सिस्टम है ना, शुरू शुरू में कोई आया, भोग हुआ है ना, अन्न की इम्पोर्टेंस समझाने का एक तरीका कह लें कि बाबा को कैसे याद करें, सारी चीजें। लेकिन ज्ञान योग बिल्कुल भिन्न चीज है, वो प्रैक्टिकल है। बाबा फिलॉसफी साइकोलॉजी सिखा रहा है, उसको प्रैक्टिकल बनाना है लाइफ में। प्रैक्टिकल नहीं है तो मुरली पढ़ के या कुछ भी करके किसी चीज का कोई फायदा नहीं, अगर वो रिजल्ट ही लाइफ में नहीं है तो, है ना। इनसे ज्ञान और योग का कोई कनेक्शन नहीं, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें, अल्फ और बे, यानी बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है, अंगुली से भी ऊपर इशारा करते हैं, तो आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो, ये भी जानते हो कि बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख दे देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन के लिए बनना है तो आकर समझो, घर में बोर्ड लगा दो। तीन पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। तो आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नर्कवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नर्कवासी हो ना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वाले के लिए खास कहते हैं कि ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया, है ना, जो अच्छा काम करते हैं। परंतु जाता कोई भी नहीं है, नाटक जब पूरा होता है सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ चुके होंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, तो शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, ये है मूल बात। अब इस जुत्ती को छोड़ना है, जैसे सर पुरानी खाल छोड़कर नहीं लेता है तो तुम नई खाल सत्युग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम भी लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती, जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो, जो कहते हो वो करके दिखाओ। देखिए कहनी करनी एक होनी चाहिए, धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण भी करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली में से जो बाबा ने प्रश्न पूछा था वो क्या था कि बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं। अगर हमने पूरी मुरली सुनी तो बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं, है ना। तो बाबा ने गरीब बच्चों की आज की मुरली में व्याख्या की, उनकी वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से दो रोटी खाना है, हबच यानी लालच नहीं रखो। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देखकर खुश होता है क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, है ना। और इसीलिए स्टार्टिंग में बाबा ने जो सार हम लोग शुरू में सुनते हैं कि मीठे बच्चे अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। और जो चीज इम्प्लीमेंट करनी है, धारणा में लानी है, लानी तो पूरी मुरली, लेकिन जो एक मुख्य बात जो हम सार के रूप में सुनते हैं कि इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए नहीं देखना। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनाओ, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखो, ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। और वरदान है आज का सदा सफलता मूरत भव। और सदा सफल वो है जो साथी है, किसका, बाबा का। बाबा को साथी बना लिया और साक्षीपन है, डिटैच ऑब्जर्वर। तो साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूरत भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे।
और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूरत भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय का साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो। गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। साथी हो गए ना, संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन याद रखेंगे दिन भर के लिए कि व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। चेक करना है तो मन को चेक कर ले और खुशी चेक कर ले। इसका मतलब व्यर्थ है, क्योंकि समर्थ होगा तो इसका ऑपोजिट होगा, मन खुश और खुशी कॉन्स्टेंट। ओम शांति।